नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस शेयर के वो मैजिक के बारे में जो कि लुपिन में एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया गया। मतलब लुपिन में मात्र जो आपके शेयर को 10 गुना किया है, लेकिन आपका रिटर्न इतना बेहतरीन है लुपिन में कि लुपिन आपके 10,000 रुपये को 1 करोड़ में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे ही लुपिन के मैजिकल रिटर्न को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम लुपिन के जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन मात्र 2 बार ही हुआ है जो आपको बोनस शेयर दिया गया है 2006 में, और 1 बार जो स्प्लिट हुआ है 10 से डायरेक्ट 2 में, 10 रुपया फेस वैल्यू से डायरेक्ट 2 में। तो ये भी आपके लिए बोनस शेयर के जैसा ही है, क्योंकि जो स्प्लिट होता है उस रेशियो में आपको बोनस जो है फ्री में दिया जाता है बोनस शेयर। तो चलिए इस के मैजिक को, लुपिन के मैजिक को, जो कि सबसे स्टॉक मार्केट में जो बेहतरीन रिटर्न दिया गया है जिस शेयर के द्वारा, उसमें से एक है लुपिन। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2001 ईस्वी को मैंने रेफरेंस लिया है, कि रेफरेंस के रूप में लिया। 2001 में आपने इन्वेस्ट किया, 2006 में लुपिन ने बोनस दिया 1:1 का, और यहाँ पर आपने जो बाय किया था 2000 शेयर 10 रुपये के प्राइस से 2001 में। यही 2003 में ये प्राइस जो है 200 रुपये चला गया था, फिर तेजी से मतलब ये स्टॉक बढ़ता था 2003 के लास्ट में और 2004 के शुरुआत तक में। ये लुपिन का प्राइस 10 रुपया जो था 2001 में, वहाँ से 600 रुपया तक चला गया था। तो समझ सकते हैं लुपिन इतना तेज़ी से ग्रो हुआ था, लुपिन का शेयर मतलब शेयर का प्राइस, कि आप वहाँ पर देखते और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता तो आप सोचते कि ये कौन सा मैजिक हो रहा है हमारे साथ, कौन सी जादू हो रही है जो इतना तेज़ी से हमारा शेयर ग्रो हो रहा है। तो वही 2006 में ये बोनस इश्यू करता है और 2000 शेयर आपका 4000 बन गया 1:1 के रेशियो से। 2000 शेयर आपको फ्री दिया गया। फिर 2010 में ये अपने स्टॉक को स्प्लिट करता है, तो स्प्लिट किया तो ये आपका 4000 शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू से 2 रुपया हुआ, मतलब 5 गुना कम किया फेस वैल्यू, तो 5 गुना आपका शेयर हो जाएगा, 4000 हो गया 20,000 शेयर। अब आपका जो 2000 शेयर था वो 2001 में, वो 2010 में बन गया 20,000 शेयर। और उसके बाद लुपिन ने ना तो कोई बोनस शेयर दिया है, ना तो फिर से फेस वैल्यू को स्प्लिट किया है, क्योंकि फेस वैल्यू 2 है तो 1 तक स्प्लिट किया जा सकता है। तो ना तो बोनस शेयर लेकर आया है, ना तो फेस वैल्यू स्प्लिट किया है, क्योंकि 2015 तक तो राइज हुआ प्राइस, उसके बाद लुपिन का प्राइस 2000 रुपये तक पहुँच गया था, उसके बाद फिर से करेक्शन होकर के 600 रुपये तक आ गया। और उसके बाद देख सकते हैं, अभी हम कैलकुलेट करते हैं 900 रुपया करेंट प्राइस है लुपिन के शेयर का। तो 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट के होते 10 रुपये के प्राइस से 2001 में, अभी आपके पास जो शेयर होता 20,000 शेयर होता, 20,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे, 2000 शेयर बाय किए थे और शेयर बढ़ करके हो गया 20,000। तो यहाँ पर 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, ना कि आपका 20,000 रुपया जो अमाउंट है वो है, ये 20,000 शेयर है जो कि आपका 2000 शेयर जो बाय किए थे वो बढ़ करके हो गया 20,000 शेयर। और इसका जो मैक्सिमम प्राइस था 2108 रुपया था, उस रेट से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 4,21,00,000। तो इतना बड़ा अमाउंट आप मात्र 20,000 रुपये के इन्वेस्ट से बना सकते थे। अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो 2,10,000, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो होता 2,10,00,000। तो समझ सकते हैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने से हो गया 4,21,00,000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो हो जाता 2,10,00,000। उसके बाद हम बात करते हैं जो करेंट वैल्यू है 900 रुपया, मतलब 930 रुपीज़ है, तो उसके दर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1,90,00,000 के आसपास। तो हमने 1,95,00,000 ही लिया है 925 के रेट से, तो करेंट वैल्यू आपका इतना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राकेश झुंझुनवा जी को, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2003 में लुपिन में, मान लेते हैं कि 1 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था 200 रुपये के दर से, क्योंकि शेयर का प्राइस काफ़ी मोमेंटम पकड़ने लगा, तो 2003 में राकेश झुंझुनवा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो मान लेते हैं उन्होंने बाय किया 50,000 शेयर, लेकिन वास्तव में वो 4,00,000 के आसपास शेयर बाय किए थे। तो मतलब इतना बड़ा अमाउंट वो लुपिन में इन्वेस्ट किए थे, 4,00,000 शेयर बाय किए थे, लेकिन 4,00,000 शेयर के बाद में हम बात करेंगे, 4,00,000 शेयर अगर बाय किए थे तो कितना रिटर्न होगा। हम 50,000 शेयर लेकर के ही अभी चलते हैं, 50,000 शेयर 200 रुपये के दर से, तो 1 करोड़ अमाउंट वो इन्वेस्ट किए लुपिन में। 2020 में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, 105 करोड़, मतलब समझ सकते हैं 105 करोड़ मतलब 1,05,40,00,000।
तो इतना बड़ा उनको रिटर्न मिला सिर्फ 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे, मतलब उनका मनी जो है 100 times हो गया, समझ सकते हैं 100 times। तो ये हो गया मैक्सिमम प्राइस पे, जो हाईएस्ट प्राइस लुपिन का था, अगर करेंट प्राइस के अनुसार हम कैलकुलेट करें तो हो गया 46 करोड़, क्योंकि करेंट प्राइस तो आधे से भी कम हो गया। वहीं बात करें एट प्रेजेंट हिज टोटल वेल्थ, उनका जो टोटल वेल्थ है वह है 220 करोड़ डॉलर, डॉलर में हमारा कितना है 220 करोड़ डॉलर, अर्थात क्या है 20,000 करोड़ का उनका करेंट वेल्थ है। वहीं अगर वो 4 लाख शेयर की मतलब कंपेयर करें 4 लाख शेयर से, कि वो 4 लाख शेयर तो मतलब 8 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए होते लुपिन में, 8 करोड़ इन्वेस्ट किए होते तो उनके पास अभी कितना होता 800 करोड़ का रिटर्न प्राप्त होता, 800 करोड़ का रिटर्न प्राप्त होता लुपिन से। तो इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न प्राप्त होता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए आप जो भी बने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर को होल्ड करें, उसमें इन्वेस्ट करें। आगे बात करें तो ही आल्सो गेट डिविडेंड ऑफ अप्रॉक्स 25 लाख्स फ्रॉम लुपिन। तो वो जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया उस पे 25 लाख्स का डिविडेंड प्राप्त करते हैं। तो अब मानिए कि अगर वो 8 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए होते तो कितना उनका मतलब उस पे प्राप्त होता, 2 करोड़ 50 लाख का डिविडेंड प्राप्त होता। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट उनको डिविडेंड में सिर्फ प्राप्त होता। तो जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट और जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे, लेकिन कंपनी वैसी होना चाहिए जिसमें ग्रोथ हो आगे। आप वैसे कंपनी में कभी ना इन्वेस्ट करें जो पहले से ही ग्रो हो चुकी है, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जिनका जो मैनेजमेंट है वो आगे जो है अपने कंपनी को ग्रो नहीं करना चाहती है। अगर वो कंपनी को आगे भी ग्रो करना चाहती है तभी आपको उस कंपनी से रिटर्न प्राप्त होगा। तो जिनके मैनेजमेंट में ये भूख है कि हमें कंपनी को नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंपनी को फैला देना है, मतलब कंपनी के बिजनेस को फैलाना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो वैसे ही कंपनी हम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त होगा। अगर हम बात करें कि अगर आप 200 रुपया भी इन्वेस्ट कर दिए होते 2001 में उस गिरावट में, तो अभी आपके पास 1,000 रुपया का डिविडेंड मिलता और 200 रुपया पे आपको 1,90,000 का रिटर्न प्राप्त होता। तो 200 रुपया इवन आप 2001 में इन्वेस्ट किए होते 200 रुपया तो आपको 1,90,000 का रिटर्न प्राप्त होता और 1,000 रुपया हर साल डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता। और भी बात करें तो अगर हम अनदर एडिशनल पे आउट की बात करें 20,000 रुपया पे, ये तो हमने डिविडेंड की बात कर लिया, 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो अभी डिविडेंड आपको कितना मिलता। और साथ ही बात कर लिए कि जो हमारे सबसे बड़े लीजेंड इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला जी, उनको कितना डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते। तो आपकी हम अब बात करते हैं, जो आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको अभी जो डिविडेंड देता वो 1,00,000 रुपये का हर साल देता है डिविडेंड। तो ये एवरेज डिविडेंड है कि हर साल आपको एवरेज रूप से 1,00,000 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होता लुपिन से। तो समझ सकते हैं कि जो 1-2 रुपये डिविडेंड देता है वो इतना बड़ा अमाउंट कैसे हो जाता है, क्योंकि आपका जो बोनस शेयर का इश्यू है, जो स्टॉक स्प्लिट होता है, उससे आपका नंबर ऑफ शेयर इतना मल्टीप्लाई हो जाता है लॉन्ग टर्म में कि आपका 1-2 रुपया कंपनी की ओर से जो डिविडेंड दिया जाता है वो कई टाइम्स हो जाता है मल्टीप्लाई होकर के। तो ये होता है जो डिविडेंड का पे आउट है उसका लॉजिक या क्या उसका मैजिक। रुपया इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो शेयर बाय करेंगे तो 20,000 में अभी तो आपको 20 शेयर प्राप्त होगा, 20 शेयर पे 100 रुपया डिविडेंड प्राप्त होगा। अगर कोई अभी भी चाहता है कि हम 1,000 शेयर बाय कर ले, 2,000 शेयर बाय कर ले, जितना के 20,000 में हमने उस समय बाय किया था, तो 2,000 शेयर अभी बाय कर लीजिएगा तो उस पर मात्र 10,000 का डिविडेंड प्राप्त होगा। लेकिन उस समय 20,000 रुपया लगा करके कोई बाय किया था तो अभी उनको 1,00,000 रुपया डिविडेंड प्राप्त होता है। अभी कोई 2,000 शेयर बाय भी कर लेता है जितना अमाउंट लगे तो उनको मात्र जो है 10,000 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होगा। तो ये था लुपिन में बोनस शेयर का मैजिक। चलिए हम चार्ट पर दिखाते हैं आपको लुपिन ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिया है और लुपिन में क्या अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या लुपिन अभी भी हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न आगे चलकर दे सकता है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम डाटा पे चलते हैं, जो डाटा हमारा क्या कहता है, चार्ट हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लुपिन का चार्ट है, लॉन्ग टर्म का चार्ट है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में लुपिन में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लुपिन पहले काफ़ी मतलब जो है प्राइस जो इसका बहुत ही कम हुआ करता था। 2001 ईस्वी के आसपास 10 रुपये का शेयर 20 रुपये का हुआ करता था। 2015 ईस्वी में ये 2,000 रुपये का हाई बनाया था। उस समय ये 2001 के इन्वेस्टमेंट पे 2,12,000 का रिटर्न दे रहा था, मतलब 2,12,000 प्रतिशत का रिटर्न, मतलब आपका 10,000 रुपया 2,12,00,000 हो जाता।
तो समझते इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद उसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन देखने मिला और अभी भी ये 92,000% का रिटर्न दे रहा है। अगर कोई 2001 में इन्वेस्ट किया होता अभी भी वो उसके ऊपर 92,000% का रिटर्न दे रहा है। तो ये था लुपिन का मैजिकल रिटर्न जो आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं कि ये लाख परसेंट के आसपास का रिटर्न दे रहा है। इतना बड़ा रिटर्न आपको किसी भी स्टॉक्स में प्राप्त नहीं होगा। आप कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न आप किसी भी स्टॉक में नहीं प्राप्त किए होंगे। तो ये था लुपिन का मल्टी बैगर रिटर्न। अब हम बात करते हैं कि क्या ये लुपिन आपको आगे भी रिटर्न दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। अभी भी आपको कई टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता ये कंपनी रखती है। तो आपको जैसे कभी करेक्शन वाले प्राइस पर मिलता है, कभी नीचे के प्राइस पर मिलता है, आप जरूर इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि आगे 2-3 साल जो फार्मा सेक्टर वो परफॉर्म करने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे 2-3 साल जो फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो आपको परफॉर्म करके देंगे। तो ऐसे में आपको जब भी लुपिन के स्टॉक्स लगे कि अंडर वैल्यूड है, इंट्रेंसिक प्राइस से नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए अब हम इसके सारे फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ी बहुत कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, कंपनी का पी रेशियो कितना है और कंपनी का सेल्स में क्या, मतलब प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के डेप्ट को देख लेते हैं, कंपनी के पास डेप्ट कितना है, रिजर्व कितना है। तो कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं 17,000 करोड़ का है, तो काफ़ी रिच, मतलब कैश रिच कंपनी है। उसके बाद लोन सिक्योर लोन देख सकते हैं 5 करोड़, ये तो कंपनी का मामूली सा हो गया। जहाँ 17,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, तो 5 करोड़ ये तो निग्लिजिबल डेप्ट हो गया। तो इस तरह से शौक से किसी को नहीं रहता है डेप्ट, उस तरह से हो गया। तो ये कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल जीरो है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस, कंपनी के पास 1300 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी के पास यहाँ पर देख सकते हैं 1300 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी काफ़ी, मतलब स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, देख सकते हैं बुक वैल्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ। ऐसे कंपनी आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू में लगातार उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, लेकिन इस कंपनी का बुक वैल्यू लगातार बढ़ते गया है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है, देख सकते हैं हर साल 15, 16, 17, 18, 19, तो हर साल रेगुलर डिविडेंड पे कर रही कंपनी। हमने तो इसका जो डिविडेंड है आपके कैलकुलेशन में हमने जो डिविडेंड लिया है ये तो 2018-19 का ही लिया है। अगर 2017 में देखेंगे तो डिविडेंड 375%, मतलब आप समझ सकते हैं 375, मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए 375 का मतलब आप हम बता दीजिए 7.5 रुपया, मतलब हम जो डिविडेंड कैलकुलेट किए वो 5 रुपया के रेट से की एवरेज रूप से। लेकिन ये कंपनी तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा पहले से ही दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं हमारा जो कैलकुलेशन होता है एक एवरेज प्राइस पे होता है, एवरेज रिटर्न पे होता है, कंपनी उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही होती है, कभी उससे कम। तो हम एवरेज रूप से लेकर दोनों साइड को चलते हैं, अप साइड और डाउन साइड। उसके बाद बोनस कब दिया है, 2006 में, ये तो हमने कैलकुलेट करते हैं इस समय दिखाया, 2010 में। आगे भी ये कंपनियां बोनस दे सकती है क्योंकि कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वैल्यूएशन देख सकते हैं कंपनी के पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी लार्ज कैप है, मतलब अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। 56 का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का 31 है, तो पी रेशियो भी काफ़ी हाई है। तो सारी चीज़ यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल है उस पर, यहाँ से बैलेंस शीट आपको हमने दिखा ही दिया। सबसे मेन जो है रेशियो, तो जैसे पी रेशियो है, आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ये भी देख सकते हैं, हमने डेप्ट ही दिखा दिया। कंपनी का डेप्ट जीरो है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो तो जीरो हो गया, तो कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं बिल्कुल। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी बीच में लॉस में आई थी, अब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई, और कब प्रॉफिट में आई तो काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट के साथ, 390 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, देख सकते हैं मार्च 2020 में 390 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो ऐसे कंपनी आप जरूर इन्वेस्ट करें। तो ऐसे ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स हम आपके लेकर आते रहेंगे, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स में अभी खरीदारी करने का मौका मिल सकता है, कौन से स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं, कौन सा स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स में अभी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, तो आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।